और दोस्तों यहाँ पे देखिए इन अंडों के बीच में कितना छोटा सा अंडा दे रखा है मुर्गी ने, वह इतना छोटा। तो आपको बताते हैं कि निकाल कैसे होते हैं। और नीचे झड़ चुके हैं कुछ निकाल, और निकाल ये रहे। और ठंडियों में तो आग से निकाल लेके मजा है। हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल त्योजो कुशा व्लॉग में। तो आज सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे, तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली है दिन के 11 बजे से। और आप देख सकते हैं आज पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और बादल भी लगे हुए आसमान में। तो आज छाव हो रखे, तो ठंडा बहुत हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना रखी है और चाय पीते हैं। और ये 3 गिलास रखे हुए मैंने, एक मेरे लिए, एक मेरी माँ के लिए, एक मेरी बुआ के लिए। तो माँ और बुआ को भी देते चाय ले आवा। लागा। और मेरी माँ यहाँ मुर्गे के लिए मूली की पत्ती काट रही है अभी। ले। तो कालो के भी देते हम चाय, और कालो के टम में चाय देते अभी। ले कालो चाय। तो कालो के थोड़ा सा बच्चा हुआ चाय, ले चाय पियो जा। ले हाँ ले पियो 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 कालो चाय पियो। और यहाँ पे हमारे गांव के चाचा आ चुके और निकाल लेके आ रहे जंगल से। आजकल हमारे गांव में बहुत सारे निकाल बिक रहे हैं। तो आसमान में पूरे बादल लग चुके हैं, तो ठंडा बहुत होने लगे। तो मैं हुड पहन लेता हूँ क्योंकि ठंडा इतनी ठंडी हो रही है ना। क्या बताए दोस्तों आपका यार, बहुत ही खतरनाक ठंड हो रहा है आजकल। किसी के यहाँ गर्मी हो रही है तो बता देना मुझे, मैं यहाँ आ जाऊँगा आजकल। तो मैं अभी मुर्गे को ग्वालो यहाँ पर, और मेरी माँ और मेरी बुआ निकाल तोड़ रहे। आप पीछे से देख सकते हो पेड़ में, और इस वाले पेड़ में जा रही मेरी माँ निकाल तोड़ने के लिए भी। माँ पेड़ में चढ़ चुके, तो मैं अपनी माँ के पास अभी लाठी दूंगा। ले मेरी माँ लाठी से झाड़ेंगे ना नीचे। तो आपको बताते हैं कि निकाल कैसे होते हैं। और नीचे झड़ चुके हैं कुछ निकाल, और निकाल ये रहे। तो दोस्तों मैंने छोटे मुर्गे को अंदर डाल दिया, तो अभी बड़े मुर्गे के कमरे में जाता हूं मैं और उनके अंडे चेक करता हूं। तो इसके बाद मैं घर जाऊंगा खाने के लिए, क्योंकि दिन के एक बज चुके हैं। अब उनके अंडे चेक करते हैं कि कितने अंडे दे रखे उन्होंने। हटो रे हटो, हटो तो इतने सारे मुर्गे बैठे हैं यहाँ पे वीडियो में, और अंडे देने के लिए ये भी सबके सब। 3 अंडे इसने दे रखे हैं यहाँ पे, इसने नहीं मतलब और किसी ने भी दिए होंगे ना। और इसमें भी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन अंडों के बीच में कितना छोटा सा अंडा दे रखा है मुर्गी ने, वह इतना छोटा। पहली बार दे रहा हूँ मैं इतना छोटा अंडा मुर्गी का। इसमें भी बैठे हैं मुर्गियाँ, तो उनको एक काम करता हूँ, मैं थैले में रखता हूँ अंडों को। अंडे लेके बाहर पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो मेरे मुर्गों ने कितने सारे अंडे दिए इस टाइम। और ये छोटा सा अंडा है, पता नहीं क्यों दे रखा इतना छोटा अंडा। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बताना। तो यहाँ पे धूप लग चुकी है फिर से, और हवा चल रही है बहुत तेज, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, सर दर्द होने लगे मेरा। तो अभी मैं पोल हाउस की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ के पर्दे नीचे करता हूँ क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है ना। तो आप बंदरों के आतंक देख दो, और उन्होंने यहाँ पे पूरी मूली उखाड़ दी। यहाँ पे मूली अभी हो भी नहीं रखी थी, अभी छोटा ही सा। और आप देख दो किस तरह से उन्होंने मूली उखाड़ के यहाँ पे फेंक दिखा है, और पूरी मूली की क्यारी इन्होंने बर्बाद कर दी। और यहाँ पे लहसुन भी ऐसे ही कर रखा उन्होंने, और लहसुन की क्यारी देखी, लहसुन तो दिखाई भी नहीं दे रहा, और सूख भी गया है सब कुछ। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, तो मेरी तैयारी फिर से हो गई मुर्गे फार्म में जाने के लिए। और यहाँ पे मेरे पापा जो निकाल है,
तो उनके पीछे के डंडा अलग निकाल दे, और ये वाले बेचेंगे सिर्फ जो इसमें रखे हैं। आपको दिखा दे किस तरह के हैं। अरे और इस तरह के, और जो इनके पीछे ही लगे रहते हैं तो उनको अलग कर दिया। तो आपको ये निकाल भी दिखा दे किस तरह के। देखिए इनके पीछे ये लगे हुए, तो ये छिलका हल्का अलग निकाल देंगे इससे। नेत्रा देखी हुई मुझे कि क्या कर रहा है चाचा। नेत्रा यहाँ देख। दोस्तों अभी मैं मुर्गा फार्म में बैठा हूँ और यहाँ पे आग सेक रहा हूँ मैं, और आग भी बुझ चुके, तो आग जलाते पहले। और ठंडियों में तो आग सेकने का अलग ही मजा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ खास तो नहीं था, पर मैंने फिर भी अपना वीडियो बनाया आज, और आप कमेंट करके बताने कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।